अब छोड़ दिए LG 1700 को, कुछ फ्यूचर प्रूफिंग कुछ नहीं है, खत्म है खत्म। AF5 सॉकेट में जा, वो फ्यूचर प्रूफ है, वही असली है। अभी LG 1700 डेड है, डेड समझा, वो कुछ नहीं है। फालतू में LG में जा रहा है साला, कुछ पता होता है नहीं साला, खाली वीडियो खोल के दे देना है साला। LG में जा। अरे पूरा दुनिया बोल रहा है ये कौन है बे? एक नोटिफिकेशन क्या होगा तेरे पास? हाँ आया, LG 1700 सॉकेट डेड अगेंस्ट EMD क्वेश्चन मार्क। इसको देख और अपना मुंह बंद कर, और आप लोग भी जाओ देखो। But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really care what you think of me. अरे MD के M5 सॉकेट के साथ जाओ, 7000 सीरीज को सपोर्ट करता है, आने वाला 8000 सीरीज को भी सपोर्ट करेगा। LG 1700 है ये तो खत्म हो गया, 14 जन के साथ खत्म भाई, अब इसमें कुछ नहीं आने वाला। अब AM5 के साथ जाओ भाई, फ्यूचर है फ्यूचर, यही है ना, यही देखते हो, यही सही है, ऐसे ही करना है ऐसे ही करना है। ये तो एक फेज है, दूसरा फेज कभी देखे हो सोचने का? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो, नहीं देखे हो, क्यों? क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आओ सच का सामना कराते हैं आप लोग। चलो एक बंदा है, इसको 80,000 का पीसी बिल्ड करना है गेमिंग के लिए, ठीक है? 1700 सॉकेट पर हम लोग पीसी बिल्ड करते हैं और AM5 में सॉकेट पर हम लोग पीसी बिल्ड करते हैं, देखो दोनों का डिफरेंस क्या है। चलो ये हम लोग ने इंटेल में बिल्ड किया LG 1700 सॉकेट पर, 80,000 के 1080p लेवल का गेमिंग बंदे को करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब यहां पर हम लोग ने प्रोसेसर लिया i5 13400F, वैसे ही हम लोग ने क्या क्या कंप्यूटर लिया सब देखा था, इतना टोटल हुआ। मोटर को लिया हम लोग ने मोटर वाईफाई, ठीक है? यहाँ पर हम लोग ने रैम लिया XPG का 5100 का, पावर सप्लाई लिया हुआ है डीपकूल का PM650W, और एंटी स्पोर्ट्स का 590 TG का कैबिनेट लिया हुआ है, 2060 हम लोग लिया हुआ, 6600 लिया हुआ है, आराम से हम लोग 1080p लेवल पे गेमिंग करा देगा। S70 इसका प्राइस होगा भरा हुआ है गाइस, अमेजोन में देखोगे इसका प्राइस 6300 का अप्रॉक्स है, उतना ही प्राइस है इसका एक्चुअल में, यहाँ भरा हुआ है दोनों, ठीक है? यहाँ पर एयर कूलर हम लोग ने ले लिया, ठीक है, डीपकूल का। तो यहाँ पर मेरा टोटल इतना हुआ, आपको मेरा बात पर विश्वास है, मैं आपको सब कंपोनेंट्स दिखा दिया, आप खुद ऐड करके देख लेना। अब हम आपको दिखाऊंगा AM5 के बारे में। AM5 में सेम कंपोनेंट्स लिया, खाली प्रोसेसर मदरबोर्ड में चेंजेस है, ठीक है? चलो मैं पहले ऐड करता हूँ, यहाँ पर आपको एक्जैक्टली ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है? 20,599। अब ये देखो मोटर, तो वहां पर हम लोग लिया सेम मोटर है, सेम टू सेम है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर प्राइस देखो, वहां पर प्राइस देखो, सब कुछ सेम है, खुद बोलो वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। और यहाँ पर एक और चीज लास्ट में दिखाऊंगा, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है? यहाँ पर चलो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ 5100, ठीक है? चलो अब डीपकूल का पावर सब कुछ सेम टू सेम है, मैं सब कुछ ऐड कर रहा हूँ 5300, 499, ठीक है, 4999, ठीक है? तुम लोग देखो अब भाई 6600 का ऐड करना है हम लोग को, 1699 टोटल हुआ। अब यहाँ पर हम लोग ने अपना, जैसे मैं बता रहा 6300 का पावर, चलो मैं 6100 लेके चलता हूँ, कोई इशू नहीं, दूसरे पावर कम कर, आप अपना कूलर, ठीक है, 4770। वहां पर कितना था? 84,500। और यहाँ पर कितना हो रहा है देख लो, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया जैसे जिस्ट है, अब अगर रियल में देखोगे तो ये थोड़ा सा और बढ़ने वाला है आपको, ये बात याद रखना। और चलो कोई बात नहीं, अगर 5000 भी आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो अगर 5000 वहां पर ज्यादा देखो तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा सोचो, वहां पर आप 13500 में जा सकते हो, चाहो तो आप एयर कूलर की जगह AIO लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना 6650 XTP लगा सकते हो, वहीं पर यही सेम बिल्ड में आपको इतना ज्यादा देना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये देखो मोटर है, ठीक है, वाईफाई वाला मोटर है, 22,000 रुपए ले रहा है बंदे। अब यहाँ पर 22,000 रुपए लेने के बाद PCI-Express 4 का दिया जा रहा है, देखो X16 slot CPU का PCI-Express 4 दिया जा रहा है। वहीं इसका मोटर में देखो, हम लोग का LG 1700 का जो मोटर है, पहला बात प्राइस कम है, सेम चीज है, और यहाँ पर अपने को क्या दिया जा रहा है, PCI-Express 5, यहाँ देखो X16, देख लो PCI-Express 5। तो अब बोलो क्या बोलना चाहोगे, समझ गए डिफरेंस क्या हो रहा है, कहाँ आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, कहाँ आपको ज्यादा अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन है, कहाँ आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट है, AM5 की 1700 बताओ। अब आप बताओ ज्यादा अपग्रेडेबिलिटी, ज्यादा फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी कौन है, 1700 सॉकेट का पीसी बिल्ड या फिर AM5 सॉकेट का पीसी बिल्ड? चलो माना 80,000 के जो पीसी बिल्ड हो या फिर अंडर 1 लाख के जो पीसी बिल्ड हो, उसमें AM5 के जो 7000 सीरीज के CPUs आते हैं AMD के, वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं इंटेल के 14 या 13 जेन से, लाइक हम लोग का 7600 हो गया, 7600X हो गया, वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करते गाइस कि उसके लिए आप PCI-Express 5 को छोड़ दो, 5 से 6000 रुपये ज्यादा दे दो, ठीक है, ये इतना भी बेटर परफॉर्म नहीं करता। और अगर एडिटिंग का ही बात करूं तो वहां पर 13500 जो हम लोग का इस बिल्ड में अभी अंडर 1 लाख पीसी बिल्ड में हो जाएगा इंटेल का, वो बेटर हम लोग का एडिटिंग परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू 7600 और 7600X। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहां पर तो इंटेल बीट कर रहा है गुरु। जिस बजट में AM5 सॉकेट के अच्छे मदरबोर्ड आते हैं जो कि PCI-Express 5 के साथ आते हैं, वो अराउंड आपको 30,000 के मिलेंगे, और वही सेम क्वालिटी के VRM, वही सेम क्वालिटी के Heat 6 और PCI-Express 5 के साथ सेम सब कुछ आपको इंटेल 17,000 प्रोवाइड कर दे रहा है, वही AM5 आपको 30,000 लेकर प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सोचो
खुद बताओ फ्यूचर प्रूफ कौन सा हुआ, वैल्यू फॉर मनी कौन सा हुआ। चलो दो सिनेरियो को लेते हैं, एक होगा एडिटिंग और एक होगा गेमिंग। अब गेमिंग में दो कैटेगरी होते हैं, एक ई-स्पोर्ट्स गेमिंग लाइक वैलोरेंट एंड ऑल, और दूसरा ट्रिपल ए गेमिंग जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, जीटा 5 एंड ऑल। ठीक है, ट्रिपल ए टाइटल में ग्राफिक्स कार्ड का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो हम लोग का जो आने वाला ग्राफिक्स कार्ड है लाइक एनवीडिया का 5000 सीरीज हो गया, एएमडी का 8000 ग्राफिक्स कार्ड हो गया, वो लोग अगर PCIe 5 में आएंगे तो भाई हम लोग का LG 1700 सॉकेट PCIe 5 सपोर्ट करता है, तो वो लोग अपना डेफिनेटली फुल पोटेंशियल पे चलेंगे, और वो भी कम प्राइस देते हुए। अब भी बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई आने वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, हम लोग के इंटेल के 14th जेन और 13th जेन के जो CPUs है उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, बॉटलनेक करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग का AMD का 5000 सीरीज का CPU कब लॉन्च होता है? 2020 में। अभी कौन सा साल चला? 2024, अराउंड 4 साल हो गया। लेकिन फिर भी अभी NVIDIA का जो 4000 सीरीज है उसको अच्छे से चला पाते कि नहीं, AMD का जो 7000 सीरीज के GPUs है उसको अच्छे से चला पाते कि नहीं, बॉटलनेक होता है? नहीं होता है ना। और इंटेल के केस में भी सेम है, अभी भी लोग बोलेंगे कि भाई हर ग्राफिक्स कार्ड के साथ बहुत ज्यादा जंप होता है परफॉर्मेंस में। चलो इसका भी आंसर देता हूं, 4060 लेकर चलता हूं, 4060 इक्विवेलेंट किसका है परफॉर्मेंस में? 3070 के आसपास है। ठीक है, अब अगर 1200F को हम लोग पेयर करेंगे 3070 के साथ तो वो थोड़ा बहुत बॉटलनेक करेगा, बट 4060 के साथ वो एकदम नहीं करेगा, बल्कि 4060 और 3070 का परफॉर्मेंस ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट बराबर है, फिर भी 3070 बॉटलनेक कर रहा है लेकिन 4060 बॉटलनेक नहीं कर रहा है। रीजन क्या पता है? नहीं मालूम है, इसलिए तो इंडस्ट्री यहाँ पर है। इसका रीजन कोई एक वीडियो में आपको पर्टिकुलर नहीं पता चलेगा, या फिर कोई एक छोटा सा शॉर्ट्स बना दूं उसमें आपको पता नहीं चलने वाला, इसलिए आपको पूरा समझना पड़ेगा भाई कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज किस तरीके से वर्क करते हैं, डेटा फ्लो कैसे होता है। इसलिए बोलता हूँ पीसी नॉलेज प्लेयर्स को जाके फॉलो करो, क्योंकि उसमें जो एक एक घंटा का 45 मिनट्स का वीडियो डालता हूँ ना, फालतू में नहीं डालता हूँ, उतना उससे ही आपको नॉलेज गेन होगा। आप सोचोगे एक एक मिनट का शॉर्ट्स में वीडियो में मेरे को सब कुछ पता चल जाएगा, ब्रो वैसा नहीं होने वाला। अगर वैसा होता ना तो जो लोग BCA करते हैं ना वो लोग को जरूरत नहीं होता 4-5 साल पढ़ने के लिए, वो लोग ऐसे ही एक एक मिनट का शॉर्ट देख के BCA कर ले, भाई लो हम ग्रेजुएट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत लोग बोलते हैं भाई बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है, 128 बिट वाला जो ग्राफिक्स कार्ड उसको मत लो, 192 बिट वाला जो ग्राफिक्स कार्ड उसको लो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग का 3060 तो 192 बिट के साथ आता है और 4060 तो 128 बिट के साथ आता है, तो 4060 3060 से बेटर परफॉर्म क्यों करता है? नहीं मालूम है। एक बात बताओ, जो बिट्स का है ना कॉन्सेप्ट, इससे कुछ नहीं होता है ग्रो, ये कहीं कहीं वर्क करता है लेकिन हर जगह वर्क नहीं करता है। मेन जो चीज होता है आपका बेस क्लॉक स्पीड, बूस्ट क्लॉक स्पीड, वो आपको देखना पड़ेगा। अब ये चीज कैसे है क्या है, इसका पूरा प्रॉपर वीडियो, पूरा प्रॉपर डायग्राम वगैरह सब कुछ समझाने के पूरा अच्छे से समझाऊंगा, हम लोग का पीसी नॉलेज प्लेयर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी के बारे में आएगा, तो स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि एक एक मिनट का शॉर्ट देख के तुम लोग समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, और दो चार ज्ञान का वर्ड सुन लोगे और लोगों का मेरे को बहुत नॉलेज हो गया, नहीं होने वाला है। तो आने वाला जो NVIDIA का 5000 सीरीज है या फिर AMD के 8000 सीरीज है GPU में, वो आपका 14 जेन इंटेल के और 13 जेन इंटेल के दोनों के आराम से चलेंगे, कोई इश्यूज नहीं होने वाला और कोई बॉटलनेक नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा झंझट में नहीं पड़ना भाई कौन सा CPU लूँ, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लूँ, मुझे कुछ झंझट में नहीं पड़ना भाई, मेरे को एक बजट बताना है, बता दूंगा, रिक्वायरमेंट बता दूंगा, उसी हिसाब से मेरे को बेस्ट बिल्ड मेरा हिसाब से मिल जाए, तो उसके लिए हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, सिर्फ 59 रुपीज का है गाइस, मंथली आपको सिर्फ 59 रुपीज देना है। उसमें आपको बस मेरे को अपना बजट बताना है और अपना रिक्वायरमेंट बताना, उसके हिसाब से जो बेस्ट पीसी बिल्ड सजेशन होगा वो मैं आपको दे दूंगा। और अगर फिर भी आपको अगर नहीं भी लेना है तब भी हमारे AGS का डिस्कॉर्ड सर्वर है, आप वहां पर जो वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, लेकिन अगर मेरे से पर्सनली सजेशन चाहिए तो बेटर होगा मेंबरशिप ले लो, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो एक एक को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात आया ई-स्पोर्ट्स गेम्स के लाइक वैलोरेंट, अब अगर इनका बात करूं तो ये CPU इंटेंसिव गेम्स है, तो चलो मैं अगर i3 को भी लेके चलता हूं वो भी इन सब गेम्स में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है, तो अगर हम लोग के पास तो 13 जेन में और 14 जेन में अच्छे खासे भयंकर भयंकर प्रोसेसर है, तो भाई सोचो आराम से आपका FPS अच्छा खासा FPS में आपका वैलोरेंट वगैरह चलेगा, और वो भी अभी नहीं 6-7 साल तक आराम से चलेगा, या फिर मैं तो बोलूं उससे भी ज्यादा चल सकता है। अब क्वेश्चन आएगा एडिटिंग का, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग के जो 7000 सीरीज के CPUs हैं उससे हम लोग के 14 जेन और 13 जेन के जो CPUs है इंटेल के वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एडिटिंग में। और अगर एडिटिंग का बात हो ही रहा है तो ये सुन लो कि हम लोग जितना भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है लाइक आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, फोटोशॉप हो गया, ऑटोकैड हो गया, माया हो गया, ये सब बेसिकली सॉफ्टवेयर तो वही है आप जिसमें एडिटिंग करोगे, बस इसमें अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं हर साल, तो वो जो अपडेट्स आते हैं ना वो ऐसे कोई बहुत बड़े डिफरेंस नहीं हो जाते उसके अपडेट्स में कि आपको एक ही बार में पूरा का पूरा CPU चेंज करना पड़ेगा, बहुत मिनिमल डिफरेंस होते हैं। आप एक 6 कोर और 12 थ्रेड का CPU के साथ आराम से अपना जो भी आपका सॉफ्टवेयर है आराम से अच्छा खासा सालों तक चला पाएंगे, वो भी अपडेट्स के साथ ब्रो। मेरा ये जो लैपटॉप है ये वाला, इसमें i5 9th जनरेशन है 9450H और इसमें 1650 ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें मैंने 5 साल तक एडिटिंग किया, वो भी अच्छा खासा एडवांस लेवल का, आप तो देखते ही हो वीडियोस में हम लोग का एडिटिंग, और ये 5 साल तक मेरे को कोई भी इश्यूज नहीं थी, आराम से मैंने एडिटिंग इसमें किया है।
समझो बात को। और अगर बंदा कोई एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है एडिटिंग करने के लिए, तो वो हर साल उसमें अपडेट्स नहीं करता है। आज अगर मान लो 2024 है ना, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आफ्टर एफेक्ट 2020 का 2024 में चला रहे हैं और वो अच्छे चलता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एडिटिंग में बार बार आपको अपडेट करने का जरूरत नहीं होता है। और अगर बात करें अबव 1 लाख के पीसी बिल्ड्स का, तो वहां पर AMD के जो 7000 के CPUs है उसको हम लोग के 14th gen इंटेल के बीट करते हैं ओवरऑल में, तो भाई यहाँ पे तो बात ही नहीं है। और अगर फिर भी किसी को AMD के 7000 सीरीज में ही जाना है मेरे इतना भाषण देने के बाद, या फिर उसका कोई भी रीजन हो उसको AMD में ही जाना है कुछ भी हो जाए, तो भाई आप थोड़ा सा रुक जाओ। इसी साल AMD के 8000 सीरीज भी आने वाले हैं, देख लो क्या परफॉर्मेंस है, उसको कंपेयर कर लो 14th gen से, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ तो भाई जाने का कोई फायदा नहीं है 8000 में, इससे अच्छा LG 1700 में 14th gen में जाओ। और अगर हाँ कुछ अच्छा खासा डिफरेंस हो रहा है तो उस टाइम भाई ठीक है, उस टाइम तुम 8000 में जाओ। तो कुछ सोचना समझना नहीं है, कोई भी बंदा अगर कुछ भी बोल देगा अरे हाँ AMD 7000 सीरीज फ्यूचर प्रूफ है, LG 1700 तो बेकार है, तो डेथ ब्लॉक है, फालतू है, छोड़ो, यही करोगे तो यही रहेगा हमारा PC इंडस्ट्री, आगे नहीं बढ़ेगा। जाके हम लोग का इंटेल का B760 का बेस्ट मदरबोर्ड का वीडियो डाला हुआ है और AMD का B650 का बेस्ट मदरबोर्ड का वीडियो डाला हुआ है, जाओ जाके देख लो दोनों को। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।